नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस पीपल में। तो दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का, कौन कौन सा फार्मूला है स्पीड निकालने का, टाइम निकालने का और डिस्टेंस निकालने का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के अप्रोच करेंगे कि किस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सही है। तो सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो स्पीड क्या होता है, आप सबको मालूम ही होगा कि स्पीड हुआ कि हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को स्पीड कहा जाता है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, मुझे मालूम है आप लोग को आता ही होगा, तो आप फिर भी एक बार देख लो। स्पीड का वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, टाइम का वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ये बेसिक आप सबको मालूम ही होगा। यूनिट्स की बात करें तो स्पीड एंड डिस्टेंस ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला टर्म आता है स्पीड। तो स्पीड सबको मालूम ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फिर बात आती है टाइम की, तो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और फिर एट लास्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, तो ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज है। अब यूनिट की बात करें तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वो मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो जैसे कि मान के चलो कि ये मीटर में है, ठीक है, और टाइम है सेकंड में, तो कितना मीटर कितने सेकंड में कवर हो रहा है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम बेसिक सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। नहीं सॉरी, डिस्टेंस क्या है, मीटर है, ठीक है, और स्पीड क्या है, स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर का से आखिरी में सेकेंड ऊपर आ जाएगा। तो टाइम का यूनिट क्या हाँ, बच्चा, सेकेंड। ठीक सेकेंड। है, सही है। उसके बाद एट लास्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड का क्या यूनिट होता है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और मल्टीप्लाई कर दो उसको फिर से टाइम से। तो टाइम क्या क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, सेकेंड यहाँ ऊपर है, सेकेंड यहाँ नीचे है, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, आखिरी में बचा क्या, मीटर। सो द डिस्टेंस मीटर मीटर का जो यूनिट होगा वो क्या होता है, मीटर मीटर। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेसिक है। ठीक नहीं। है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है, आपको ध्यान रखना, आपको याद हो गई। तो अब क्या बात आता है कि मान लो कि स्पीड है वो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। मान के चलो कि मुझे क्वेश्चन में है कि एक ए ट्रेवल कर रहा है, मान के चलो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम निकालो या डिस्टेंस निकालो 20, अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है तो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभार। तो आपको क्या कह रहा है कि इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्जन जो होता है, कन्वर्जन करने के लिए हम लोग को सिंपल याद रखना है कि जो वैल्यू दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में, उसको जस्ट सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या होगा, 90 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे, 5/18 हाँ से। तो भाई, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आएगा, 18 पच्चीस से 90 कटेगा तो क्या आएगा, 5, 5 इंटू 5 क्या है, 25, 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि 89, अगर कोई एक पर्सन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और उसको कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में इसका वैल्यू बताओ कि कितना किलोमीटर वो, कितना मीटर वो चल रहा है कितने सेकंड में, तो उसका वैल्यू क्या, अगर वो 25 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ठीक है, हाँ। यानी कि एक और किलो एक हम बोलो। लोग को ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर मीटर पर सेकंड पूछ रहा है कि किलोमीटर पर सेकंड में आंसर हाँ पूछ हाँ रहा हाँ 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 हम लोग को उसका यूनिट देखते रहना पड़ेगा क्या, स्पीड का भी है। और सबका, टाइम और डिस्टेंस का तो रहता ही है किलोमीटर में या मीटर में, लेकिन स्पीड का ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि कभी कभार किलोमीटर पर आवर दे देगा ऐसे, तो ध्यान देते रहना पड़ेगा कि यूनिट कौन सा पूछ रहा है। तो यानी कि 1 घंटे में अगर एक आदमी 90 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हर 1 सेकेंड 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, हाँ तो ये हो गया कन्वर्जन का। तो वही जस्ट अपोजिट, किलोमीटर टू पर आवर, किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, वही मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यानी कि 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो मुझे लगता है लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होगे। जैसे कि मान के चलो फिर भी लिख देता हूँ एक बार कि 25 मीटर पर सेकेंड मान लो इसका स्पीड है, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड अगर वो चल रहा है,
इसको अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो कैसे कन्वर्ट होगा, 25 को बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18 बाई 18.5 से, पाँच ठीक है, 5 से पच्चीस 25 कटेगा, नब्बे क्या बचेगा, 5, 5 into 18 क्या बचेगा, 90, तो फिर वही आ गया 90 नाइनटी किलोमीटर पर आवर। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर को फिर कन्वर्ट करने पे जो आ रहा है फिर उसी को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रहा है, तो फॉर्मूला सही है, 5/18, ठीक है। तो अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 यानी कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट पे क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज ए रेशियो बी, देन द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस इज 1/A ratio 1/B और बी रेशियो है। इसमें क्या कह रहा है कि मान लो कि इसको जरा मैं यहीं पे बताता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए रेशियो बी, यानी कि कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, और दूसरा पर्सन है बी, ठीक है, तो इन दोनों का जो स्पीड है यानी कि मीटर पर सेकेंड मान के चलते हैं, किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकेंड मान के चलते हैं, तो मीटर पर सेकेंड जितना ये कवर कर रहा है इन दोनों का रेशियो ए रेशियो बी में है, ये वेरिएबल है, ये बताया नहीं गया है कि ए और बी का वैल्यू क्या है, ठीक है, हो सकता है 2:5 हो, 2:3 हो, 1:1 हो, 1:2 हो, ये मालूम नहीं है। तो अगर ए रेशियो बी में अगर चल रहा है ए और बी का स्पीड, देन द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस इज 1/A ratio 1/B, यानी कि अगर स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है, ठीक है, तो टाइम जो टाइम का रेशियो होगा वो रहेगा बी रेशियो ए, ठीक है। जैसे कि बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि एक सेकेंड, जैसे कि मान लो कि ए का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और बी का स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, पर सेकंड ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 5:6, स्पीड का रेशियो हो गया 5:6, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, देन द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस, मान लो कि डिस्टेंस कवर करना है इसको 30 मीटर का, ठीक है, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, तो टाइम क्या आएगा, ए को कितना टाइम लगेगा ये बताओ, 6 सेकेंड लगेगा है कि नहीं, बी को कितना टाइम लगेगा, बी को 5 सेकेंड लगेगा है कि नहीं, हाँ लगेगा, क्यों, कैसे लगेगा। लगेगा, 30 मीटर को डिवाइड कर दो 6 से, 30 मीटर को डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है, हाँ तो ए के लिए हाँ टाइम क्या लग रहा है 6 सेकेंड, बी के लिए टाइम क्या लग रहा है 5 सेकेंड, तो फाइव टाइम का सेकेंड रेशियो ए और बी के लिए क्या होगा, 6:5 होगा, क्या होगा, सिक्स रेशियो सिक्स फाइव फाइव तो पहले बताओ स्पीड का रेशियो क्या था, 5:6 था ए और बी का, और वही हाँ अब स्पीड के अलावा टाइम का रेशियो अब क्या हो गया, 6:5, तो रेसिप्रोकल हो गया, ए रेशियो बी से हाँ बी रेशियो ए हो गया, हाँ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक नहीं है, हाँ जैसे इसमें इसका रेसिप्रोकल हो रहा है। रेसिप्रोकल हो रहा है, स्पीड का जो रेशियो रहेगा उसका रेसिप्रोकल टाइम हो जाएगा, और टाइम का रेशियो, और टाइम का जो रेशियो रहेगा उसका रेसिप्रोकल स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ये एग्जांपल काफी था समझने के लिए, ठीक है ना। हाँ अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ नंबर पे। इसमें क्या कह रहा है, सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एक्स किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट वाई किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज 2xy/x+y किलोमीटर पर आवर। इसको समझते हैं अब क्या कह रहा है, आराम आराम से समझेंगे इसको, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्या कह रहा है कि सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एक्स किलोमीटर पर आवर, मान के चलो कि यहां से टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, इतना है, इतना है, अब आदमी जो है ए मान लेते हैं, पर्सन को ए मान लेते हैं, तो इतना जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाँ और क्या कह रहा है, ये जो एक बात ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वही इसका भी होगा, यानी कि मान के चलो कि 1 घंटे का समय अगर दिया गया है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्स डिस्टेंस होगा, ठीक है, और कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस वाई किलोमीटर पर आवर पे कर रहा है, तो ये क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर बराबर के स्पीड से आखिरी का जो डिस्टेंस है कर रहा है, यानी कि मान के चलो कि
ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट। तो हाँ इसमें क्या कह रहा है, ये भी मान के चलो 1 आवर है टाइम, इक्वल डिस्टेंस है दोनों, एक्स इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, द एवरेज स्पीड, यानी कि ए से सी तक, ए से बी का तो मालूम हो गया कि एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है, बी टू सी भी मालूम हो गया वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब यहाँ पे 1 घंटा ना मान के 2 घंटा मान लो अगर, तो वाई का डिस्टेंस अलग, वाई का जो स्पीड होगा वो, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का जो स्पीड होगा वो डबल हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है हाँ ना। तो ए से सी का जो, तो ए से बी का अलग स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, बी से सी का अलग स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर। तो ए टू सी का टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा वो निकालने का फॉर्मूला है ये। इसको क्या करना है, सीधे 2 × x × y (x+y) ये सिंपली कर देना है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा वो एक्चुअल एवरेज स्पीड होगा ऑब्जेक्ट ए का, ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन ए का, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, सही है। हाँ इसका एक नॉर्मल एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बैठा के देखते हैं कैसा होगा। मान के चलो कि जो एक्स किलोमीटर पर आवर है, वाई किलोमीटर पर आवर है, मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर है और 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है और हाँ 6 किलोमीटर पर आवर है। तो ए टू बी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और बी टू सी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। तो अब कह रहा है कि बताओ कि एवरेज स्पीड क्या है, तो सीधे मल्टीप्लाई करो, 2 5 × 6 क्या होगा, 5 × 6 30, दोनों को ऐड करेंगे 30 क्या आएगा, 11, नहीं 60/11, 60/11 क्या हो जाएगा, 5.5 करना हुआ। 5.45, हाँ डिवाइड करो, दिमाग में हो जाएगा 5.45 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरफ 5 किलोमीटर चला, फिर एक तरफ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज ए टू सी क्या होगा, 5.45 किलोमीटर पर आवर, सही है, ठीक हाँ है। तो यही बेसिक था पॉइंट, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। फॉर्मूला नहीं तो फॉर्मूला वेस्ट रही, तो फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना होगा ना। ध्यान रखना है, उसको कंसेप्ट को भी समझ के रखना है, क्योंकि थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी काफी बार आता है, तो केवल फॉर्मूला याद होने से नहीं होता, उसको समझ के भी रखना है कि कैसे कैसे चल रहा है वर्क, ठीक है ना। तो हाँ इतना कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं क्वेश्चन पे अब। हाँ चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पर्सन है वो 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को 5 मिनट में कवर कर लेता है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, अब मिनट को आवर्स में। हाँ तो ये थोड़ा लेंदी है, तो सीधे क्या कर सकते हो, सीधे कर सकते हो कि मिनट्स जो है, मिनट्स सबसे आसान तरीका क्या होगा, मिनट्स जो है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो 5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट हाँ करोगे तो कितना आएगा, 300 सेकंड आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 300 सेकंड आएगा। उसके बाद क्या करो कि इसका तुम स्पीड निकाल दो, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 मीटर / 300 सेकेंड्स, तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, टू ठीक है। हाँ 2 मीटर पर सेकेंड हाँ में है, अब उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 × 18/5 हाँ यानी कि 36/5, तो 36/5 का वैल्यू क्या आएगा, 7.2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हाँ आंसर, देख लिया ऑप्शन बी। तो हाँ इतना इतना टाइम नहीं देना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखो, दिमाग में आए सीधे सॉल्व करो, दिमाग में ही आंसर लिखो, पेपर पेन का यूज ही नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ तो स्पीड का वैल्यू क्या हो गया देख लो, 60 है, 60/5 × 60 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसको फिर कन्वर्ट कर देना है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास कह रहा है जो अभी हम लोग ने देखा था पहले। तो उसी में 2 × 18/5 से मल्टीप्लाई करो और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी है, सही है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर, KMPH का मतलब है किलोमीटर पर आवर, इन 5 आवर्स, यानी कि कह रहा है कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, स्पीड मालूम हो गया एरोप्लेन का और टाइम भी मालूम है, 5 आवर है, डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस पर पता चल जाएगा क्या होगा, 240 × 5, ठीक है। अब कह रहा है टू कवर द सेम हाँ डिस्टेंस इन 5/3 आवर्स, यानी अभी कह रहा था 5 आवर, अब कह रहा है 5/3 आवर, अगर सेम डिस्टेंस को कवर करना है 5/3 आवर में, तो
तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, सिंपल सा है। क्या करना है, पहले स्पीड, पहले डिस्टेंस निकालो, स्पीड मालूम है तुम्हें, टाइम मालूम है, तो क्या हो जाएगा 240 × 5, तो क्या हो जाएगा 1200 किलोमीटर हो गया, तो डिस्टेंस मालूम हो गया, फिर डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम से, स्पीड मालूम हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, डिस्टेंस मालूम हो गया, इसको तुम एक बार व्यूअर्स को एक बार तुम ही बता दो, तुम समझ गए होगे अब। हाँ, तो पहले हम लोग को डिस्टेंस निकाल लेना है, हाँ और डिस्टेंस निकालने के बाद स्पीड का फॉर्मूला होता ही है, डिस्टेंस बाय टाइम, उस पर बैठा देना, हाँ और कुछ नहीं। किलोमीटर पर आवर में दिया ही हुआ है, कुछ कन्वर्जन भी नहीं हाँ करना है, और आखिरी में जो आंसर आएगा वो हो गया 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो हाँ इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें भी और व्यूअर्स को भी, नहीं क्या। चलो नहीं नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज, द एक्चुअल डिस्टेंस को पहले क्या करना है, एक्स मान लेना है, ठीक है, पहले एक्स मान लो, जो भी पूछे पहले उसको एक वेरिएबल मान लो। तो पहले ही बोल रहा है कि 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है 10 किलोमीटर के अलावा, यानी कि 10 किलोमीटर के बचा है अलावा नहीं, तो 10 किलोमीटर क्या था, पहले का स्पीड था, ठीक है, तो पहले का दस हाँ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एक्स डिस्टेंस कवर करता था, ठीक है, एक्स डिस्टेंस कवर करता था, यानी कि 10 किलोमीटर अगर घंटे का चलता था तो वो एक्स डिस्टेंस कवर करता था, ठीक है, वही 14 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर चलने लगा तो 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करने लगा, तो क्या बताना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, सिंपल, इसमें उतना कुछ करना नहीं है, सीधे इक्वेट कर देना है। यहाँ पे पहले स्पीड निकालो, स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी स्पीड नहीं, टाइम, स्पीड तो मालूम ही है, टाइम क्या, पहले 10 किलोमीटर के लिए टाइम निकालो, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस यहाँ पे पहले 10 किलोमीटर पर आवर जो नॉर्मल है उसके लिए हम लोग ने क्या माना है, एक्स को, तो एक्स डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे बार क्या कर रहा है कि स्पीड को बढ़ा दिया मैंने 14 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो 14 किलोमीटर पर आवर करने पे एक्स का जो वैल्यू था 20 किलोमीटर बढ़ गया, तो इसमें स्पीड, इसमें टाइम निकालोगे तो क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 20 डिवाइडेड बाई 14, तो दोनों को इक्वेट कर दो, एक्स का वैल्यू निकल के लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के यूज करके, सही है। हाँ इसमें क्या है, एक्स बाई 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 बाई 14, सिंपल, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है एलएचएस से आरएचएस में, तो क्या हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 10x प्लस 200, फिर क्या हो जाएगा 14x माइनस 10x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 200, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, सही है, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना है, 50 किलोमीटर है, सही है। हाँ चलो कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं चलो ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार, यानी कि ट्रेन जो है वो जो कार का स्पीड है उससे 50 टाइम्स ज्यादा वो फास्ट है, ठीक है, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ए, यानी कि दोनों जो है एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुई सेम टाइम में और पॉइंट बी के रीच की 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए, यानी कि 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है एट द सेम टाइम, दोनों का टाइम भी सेम है। ऑन द वे हाउ एवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन, यानी कि कार जो होता है वो तो कहीं रुकता नहीं बीच में, लेकिन ट्रेन जो होता है उसको काफी स्टेशन होता है उसको बीच में रुकना पड़ता है, तो रुकने पे उसका 12.5 मिनट्स जो था वो माइनस हो गया, तो जो टाइम है उसमें से अपना क्यों माइनस कर देना, ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ द कार इज, यानी कि ट्रेन से कोई मतलब नहीं, अब स्पीड ऑफ द कार बताओ, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्पीड ऑफ द कार जो हम लोग को फाउंड करना है, तो इसका क्या करना है, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लो, ठीक है, एक्स किलोमीटर हो गया उसका स्पीड, तो उसके बाद क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 75 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, और एक सेकेंड, ट्रेन कैन ट्रेवल 50 टाइम्स फास्टर देन अ कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर फ्रॉम ए एट द सेम टाइम, हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 50, हाँ तो मान के चलो कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ जो कार था उसको 100 अगर हम लोग मानते हैं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा 50 टाइम्स ज्यादा, तो 100 का 50 टाइम्स क्या होगा 50, और उसको ऐड करने के लिए 100 में तो क्या आएगा 150, तो 150 डिवाइडेड बाई 100 तो क्या हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 100 एक्स, थ्री बाय क्योंकि एक्स टू हम लोग ने, एक्स हम थ्री लोग बाय ने टू माना है एक्स स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा इसको मैं रफ में बता देता हूँ, इसमें कह रहा है कि 50 टाइम्स फास्टर देन द कार है, तो कार का जो एक्चुअल स्पीड है उसको मैंने माना है एक्स, ठीक है, एक्स माना है, ठीक है, हाँ तो 50 टाइम्स ऑफ एक्स क्या होगा, 50% ऑफ हाँ एक्स, एक्स क्या होगा 50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई 2, सही है। हाँ
उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर, यानी कि ज्यादा। तो एक्स का जो वैल्यू रहेगा उससे वो 50 टाइम्स ज्यादा, यानी कि ये जो वैल्यू आ रहा है उसको उसमें ऐड करना है। तो एक्स प्लस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, 3x/2। 3/2। 3x/2 सही है, इतने में कोई हाँ दिक्कत नहीं। तो वही है, यहाँ पे नहीं 3x/2 ऐसे लिखो या फिर तुम सीधे ऐसे लिखो, ठीक है। हाँ तो स्पीड ऑफ ट्रेन मालूम चल गया है, स्पीड ऑफ कार को माना गया है एक्स किलोमीटर पर आवर में। एक चीज देखना है, दोनों का जो वेरिएबल कॉमन है वो एक्स एक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस पता है 75 किलोमीटर है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहले कार के लिए डिस्टेंस जो था वो भी 75 था, और ट्रेन के लिए भी डिस्टेंस 75 था। तो कार के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 75/x, 75 किलोमीटर वो ट्रेवल किया दोनों साथ में सेम टाइम में, और एक्स स्पीड है कार का जो निकालना है, तो 75/x। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का एट द सेम टाइम द वे द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कार का जो था टाइम मालूम चल गया है, ट्रेन का जो टाइम था वो भी मालूम चल गया है। ट्रेन का टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड 75 किलोमीटर बाय 3/2x, सही है। और ये जो 125/10 × 60 है, ये क्या है, दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 12.5 मिनट्स का है। क्योंकि लिखा है कि ट्रेन जो था वो काफी स्टेशन पे स्टॉप हुआ था बीच बीच में, इसी कारण से टाइम का डिफरेंस आया, तो 12.5 मिनट्स है। लेकिन यहाँ पे बात जो चल रहा है किसमें चल रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो 12.5 मिनट्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए तुम सीधे उसको कन्वर्ट कर सकते हो मिनट में, फिर नहीं मिनट में नहीं, मिनट में तो आइए सेकंड में, सेकंड को फिर कन्वर्ट कर सकते हो आवर में, ठीक है। अगर तुमको देखना है कि वैल्यू सही है कि नहीं, तो देख लो गूगल पे, यहाँ पे 12.5 मिनट्स इन आवर कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.2083, ठीक है। और वहीं पे ये जो वैल्यू है 125/600, 125/10 × 60, इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.2083। तो वैल्यू सेम है, ठीक है। तो तुमको सीधे ये जो मिनट है इसको आवर में कन्वर्ट करना है। यहीं पे अगर बात किलोमीटर पर आवर ना हो कि मीटर पर सेकंड में चल रहा होता, तो 12.5 मिनट्स जो है उसको आवर में नहीं कन्वर्ट करके केवल सेकंड में कन्वर्ट करके छोड़ देना पड़ता है। तो जिस यूनिट में अभी खेल चल रहा है उसी पे हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ तो ये जो इक्वेशन था ये तो समझ में आ गया होगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है सिंपल। इसको सिंपली सॉल्व करना है, 3/2 है तो 3 से 75 कर दो, 25 आया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50/x आया, 50/x, 75/x है, फिर माइनस करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो आ जाएगा 5/24। फिर एक्स जो था यहाँ पे डिनोमिनेटर में, उसको माइनस है तो माइनस में एक्स कॉमन होगा, 75 - 50 क्या हो जाएगा, 25/x, 25/x अक्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 × 24/5। तो 5 से 25 कटा 5 बार में, 25 × 24/5 क्या आ जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सही है। कोई हाँ क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं चलो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पे है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। पहले कह दिया कि स्टॉपेजेस जो होता है, स्टॉपेजेस पर रुकने का जो टाइम होता है बस का, उसको अगर हटा देते हैं तब स्पीड ऑफ बस जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। नॉर्मली यानी कि बस जो कहीं पे स्टॉप होती है तो उसका स्पीड जो एवरेज स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो बस का मूवमेंट नहीं होता है, डिस्टेंस कोई कवर नहीं करती है, तो एवरेज टाइम निकालोगे तो काफी कम हो जाएगा। तो उस टाइम को जो स्टॉपेज टाइम होता है उसको हटा देने पे बस का जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि जब स्टॉपेजेस पे बस रुकेगी तो उसका एवरेज स्पीड जो होगा वो कम ही होगा, क्योंकि वो उस समय कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। तो अगर स्टॉपेजेस पर रुकने का जो टाइम है उसको भी ऐड कर देते हैं तो वो 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बन जाता है, ठीक है, बस का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, यानी कि कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कि बस जो था टाइम बता दिया 45 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है जब स्टॉपेजेस पर रुकती है, 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है जब स्टॉपेजेस पर नहीं रुकती है। तो कह रहा है कि तुम बताओ कि स्टॉपेजेस पे कितने मिनट के लिए बस रुकती है, ठीक है, हाँ और इसका जो है मिनट्स बताना है, हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, ठीक है। इसको देखते हैं एक कैसे घंटा करना में है। कितना देर रुक रहा है। इसमें क्या तुमको साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड जो था वो 9 किलोमीटर कम हो रहा है। तो कह रहा है ड्यू टू स्टॉपेजेस इट कवर्स 9 किलोमीटर लेस, ठीक है। तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस पता चल चुका है ना, है ना। नाइन देखो हाँ बस जब स्टॉपेजेस में नहीं रुक रही है तो 54 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, और स्टॉपेजेस पे जब रुक रही है
तो 44-45 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड। तो बस जब स्टॉपेजेस पे रुक रही है तो उसपे कितना डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, 9 किलोमीटर कम हो रहा है ना। मान लो कि बस यहाँ हाँ से एक 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 घंटे के लिए बस यहाँ से जाती है स्टॉपेजेस पे बिना रुके, तो 54 किलोमीटर होता है, रुक रही है तो 45 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर नहीं ना हो पा रहा है, 9 किलोमीटर तो कम डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 घंटे में, है ना। तो उसको क्या कह रहा है हाँ कि वही 1 घंटे पे खेल चलना है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, 1 घंटे के लिए पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितने समय के लिए बस रुक रही है। तो 9 किलोमीटर जो डिस्टेंस मालूम चल गया कि 9 किलोमीटर का डिस्टेंस बर्बाद जा रहा है बस स्टॉपेजेस पे रुकने पे, ठीक है। तो डिस्टेंस मालूम चल गया, अब उसके बाद क्या है, अब डिस्टेंस बाई करना है सीधे स्पीड, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पे टाइम पूछ रहा है, हाउ मेनी मिनट्स, मिनट्स क्या होता है टाइम, तो डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम ही है 54 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड कर देंगे सीधे, 9/54 क्या हो जाएगा, 1/6, सही है, भाई वन तो बाई यहाँ सिक्स हो स्पीड गया। दोनों दिया हुआ है ना। यहाँ पे जो स्पीड है ये स्टॉपेजेस पे रुकने का स्पीड है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फॉर हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, यानी कि बस रुक कितने समय रही है, तो यहाँ पे तो भाई रुक ही रही है, तो इसको इससे डिवाइड नहीं करना है, जो नॉर्मल स्पीड जो होता है जिसपे बस नहीं रुक रही है उससे डिवाइड करना जाता है। अच्छा हाँ, तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, और मान लो कि नॉर्मल डिस्टेंस चलती तो क्या किससे डिवाइड करोगे, 54 से ना, 45 से थोड़ी, तो 9/54, तो ये कितना में आएगा, ये आएगा किस में, किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर नहीं, ये आएगा आवर में आएगा, है ना, हाँ ठीक है। और फिर उसको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करके, सिंपली 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 से 60 कटा 10, तो 10 मिनट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई हाँ क्वेश्चन हो तो पूछो, ठीक नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसमें क्या कह रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600, इसमें कह रहा है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू बैड वेदर, यानी कि 600 किलोमीटर का फ्लाइट है, ठीक है, उसपे एयरक्राफ्ट जो था वो स्पीड स्लो हो गया क्योंकि वेदर जो था वो सही नहीं था। उसका कह रहा है इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो एवरेज स्पीड था ट्रिप का, यानी कि फ्लाइट का जो एवरेज स्पीड था, मान के चलो कि 500 किलोमीटर पर आवर था, तो वो अब 300 किलोमीटर पर आवर ही रह गया, 200 किलोमीटर पर आवर वो रिड्यूस हो गया, एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। और जाहिर सी बात है कि स्पीड जब कम हो गया 200 किलोमीटर पर आवर, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो फ्लाइट को कवर करना था वो डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो 30 मिनट्स वो टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, यानी कि टाइम जो था वो पूरे फ्लाइट का वो क्या था, और ड्यूरेशन क्या था, जो फ्लाइट जो था वो एक पॉइंट से निकला और दूसरे पॉइंट पहुंचा, दोनों के बीच में टाइम कितना लगा फ्लाइट को पहुंचने में, उसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ड्यूरेशन निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, जो टाइम है निकालना हम लोग को उसको एक्स मान लेते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मालूम ही है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, नॉर्मली अगर कुछ नहीं होता जो अभी चल रहा है बैड वेदर का फोरकास्टिंग ये सब जो है, अगर नहीं होता तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना लगता है, 600 डिवाइडेड बाई एक्स, सही है। हाँ अब क्या है कि अब दिक्कत आ गया है, तो दिक्कत आने पे जो स्पीड और टाइम का जो लोचा हुआ है इसका क्या करना है, अब 200 किलोमीटर पर आवर जो था वो स्पीड अब रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, तो स्पीड जो था वो 200 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस उसका कम हो गया, और टाइम ऑफ द फ्लाइट था वो 30 मिनट ज्यादा हो गया, तो 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आवर आएगा, 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, तो 30 मिनट्स क्या हो गया, 1/2 आवर हो गया, सही है, ठीक है। तो जब डिस्टरबेंस हुआ फिर भी डिस्टेंस जो कवर करना था वो तो सेम है 600 किलोमीटर, वो तो चेंज नहीं हुआ है, तो जब डिस्टरबेंस आने पे जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, 600 डिवाइडेड बाई एक्स, जो नॉर्मल ड्यूरेशन है फ्लाइट का, प्लस 30 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो 30 मिनट्स आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आवर, तो एक्स प्लस 1/2, ठीक है। और दोनों के बीच का जो स्पीड का जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस वो क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है, तो इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 200, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया है, सही है, हाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया है, 600 डिवाइडेड बाई एक्स, ये स्पीड है पहले का जब फ्लाइट जा रही है, उसके बाद 600 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1/2, ये 600 मीटर में है, एक्स प्लस 1/2 ये किस में है, आवर में है, ये एक्स भी आवर में है, ठीक है।
तो ये जो स्पीड है ये है सेकेंड टाइम जब वेदर फोरकास्टिंग में गड़बड़ी हो जाता है उस वक्त का है। अब दोनों के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस हुआ है वो कितने का हुआ है, 200 किलोमीटर का, तो सिंपली इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, क्या करना है, एक्स प्लस 1/2 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x+1/2, 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1200, 1200 डिवाइड बाई 2x+1 क्योंकि यहाँ पे 1 है, 600 डिवाइड बाई एक्स माइनस है इज इक्वल टू 200। अब क्या करना है, सीधे यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाई 2x+1 और यहाँ पे वो सीधे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 600 मल्टीप्लाई बाई 2x+1 माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 200, फिर ये जो था नीचे वाला ये उधर जाएगा, फिर उधर वाला इधर आएगा, तो ऐसे करके हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई 2x+1 इज इक्वल टू 3, 2x² + x - 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बन गया है। अब इसको सीधे सिंपली फैक्टराइज कर देना है, फैक्टराइज कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आएगा, 6, 6 को करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से करने पे 3, तो 3 2 का बन रहा है तो 3x - 2 करेंगे, यानी कि 2x² + 3x - 2 x - 3 = 0। ठीक है, उसमें -2x को इधर ले आएंगे +3x को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे 2x कॉमन आएगा, 2x + 3 x - 1 = 0। अब यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक क्या आएगा x = -3/2, तो यहाँ पे x क्या है, ये आवर है, तो टाइम जो होता है वो तो कभी नेगेटिव में आ नहीं सकता है। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो हाँ कह रहा है वो क्या है, x - 1 = 0, तो इसका मैं क्या आएगा x = 1, यानी कि 1 आवर लग रहा है, तो टाइम जो है वो पॉजिटिव में ही रहता है, तो इसी कारण से एक्स माइनस हाँ वन ही वैलिड होगा, 2x+3 वाला वैलिड नहीं होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1 आवर, यानी कि 1 आवर जो था वही करेक्ट आंसर है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट जो टोटल लगेगा वो 1 आवर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ एक भी है घंटा कि लगे। नेगलेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि टाइम जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा हो तो पूछो। नहीं ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स, यानी कि पर्सन है वो 10 आवर्स में टाइम बता दिया उसमें अपना जर्नी कवर कर ले रहा है। ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। कुछ याद आया, 2x/y / x+y, अभी जो हाँ बताया था कि एक्स किलोमीटर कुछ, टोटल टोटल हाँ टोटल एवरेज निकालना है, तो इसमें कह रहा है फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर, वही लगाना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, टोटल टाइम दिया हुआ है मैन को अपना पूरा जर्नी करने में 10 किलोमीटर 10 आवर लग रहा है, सॉरी किलोमीटर नहीं। ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, पहला जो स्पीड है मान लो कि ए बी सी पॉइंट है, तो ए टू बी पॉइंट पे 21 किलोमीटर पर आवर है और बी टू सी पॉइंट पे 24 किलोमीटर पर आवर है, तो टोटल जर्नी निकालना है। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स, यानी कि टाइम बता दिया कि टोटल ए टू बी, बी टू सी जाने में टाइम क्या लग रहा है, 10 किलोमीटर 10 आवर लग रहा है, सॉरी किलोमीटर नहीं, तो 10 आवर लग रहा है, तो हम लोग क्या निकालना है, ए टू बी पॉइंट जाने पे, इसको अगर देखें यहाँ पे अच्छे से, तो ए टू बी और बी टू सी, तो ए टू बी पॉइंट जाने पे हम लोग को निकालना है पहले टाइम, और फिर बी टू सी जाने पे हम लोग को निकालना है टाइम। ठीक है, हम दोनों का जो टाइम होगा वो हम लोग को मालूम है 10 किलोमीटर ही होगा, यानी कि ये T1 और ये T2 दोनों का जो सम होगा वो क्या है, 10 आवर, ये हम लोग को मालूम है, तो इस पे इक्वेशन अब खेलना है। तो सबसे पहले ए टू बी पॉइंट जाने का टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग को जो टोटल डिस्टेंस निकालना ही है क्वेश्चन में, तो उसको मान लेते हैं एक्स, एक्स किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ए टू बी पॉइंट जाने के लिए जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2x / 21, 1/2x क्या होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ कह रहा है ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, यानी कि बता दिया है कि ए टू बी और बी टू सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, डिस्टेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है ना, तो आधा जो अपने पूरा डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है उसका आधा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 21 किलोमीटर पर आवर है, तो आधा डिस्टेंस हुआ एक्स का, तो आधा एक्स का क्या होगा, x/2 होगा। ठीक है, तो x/2 को ही हम लोग लिख सकते हैं 1/2 × x, सही है, तो आधा ए टू बी पॉइंट जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, 1/2x / 21 किलोमीटर पर आवर, सही है, क्योंकि आधा डिस्टेंस जो कवर हुआ स्टार्टिंग का वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हुआ है। और वैसे ही दूसरा हाफ जो था उसका टाइम क्या लगेगा, उसका टाइम लगेगा 1/2x / 24 किलोमीटर पर आवर सिंपली, क्योंकि आधा जो था वो 21 किलोमीटर पर आवर से हुआ है, तो और बचा हुआ आधा जो था वो कितने में होगा, 1/2x / 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हाँ, हाँ तो ये हो गया, तो टाइम पता चल गया कि आधा आधा के लिए टाइम कितना लग रहा है, और दोनों का टाइम का सम मालूम ही है 10 आवर है, बस इक्वेट कर देना है सीधे। ठीक है, वहां पे पहले हाँ वाले में क्या था, जो मैंने बताया था 2xy / x+y, उसमें क्या पूछ रहा था, मैंने क्वेश्चन पूरा देखा नहीं था, तो उसमें
पहले था क्या कि उसमें था कि एवरेज स्पीड निकालना पड़ता था कि एक पॉइंट से बी पॉइंट का स्पीड मालूम है, बी टू सी मालूम है, तो एवरेज स्पीड ए टू सी क्या होगा? इसमें स्पीड नहीं पूछ रहा, इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसलिए वो फॉर्मूला का यूज उसमें नहीं होगा। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना है कि पहला जो सेंटेंस में जो वैल्यू गिवन है उसी जो वैल्यू गिवन है उसी पे खेल खेलना है। यानी कि दिया हुआ है कि मान लो उस पहले वाले में क्या था कि 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड स्लो हुआ है, तो मालूम चल गया कि इक्वेशन बैठा के आखिरी का जो रिजल्ट आएगा वो 200 आएगा। वैसे इसमें मालूम है पहले 10 है, तो अब देखना है कि यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे स्पीड है, पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब इक्वेशन बैठा देना है, सीधे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में सॉल्व करना है, आखिरी मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 224 किलोमीटर, जो कि है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, कुछ पूछना हो तो पूछो। चलो नहीं, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8। रेशियो बता दिया दोनों ट्रेन की स्पीड का 7:8 है। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, यानी कि अगर दूसरा ट्रेन जो है सेकंड वाला वो अगर 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 आवर में, तो पूछ रहा है देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड वाला जो था उसका स्पीड क्या हो जाएगा, सीधे 400 किलोमीटर बाई 4, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है सेकंड वाला। ठीक है, 100 किलोमीटर पर हाँ आवर की स्पीड से चल रहा है, तो पूछ रहा है देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, तो फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड था वो भी किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो पहले क्या है, यहाँ पे रेशियो जो था उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, 7x हो जाएगा पहले वाले ट्रेन का स्पीड, और 8x हो जाएगा सेकेंड वाले ट्रेन का स्पीड। ठीक है, और 8x जो है वो और 7x ये दोनों किलोमीटर पर आवर में ही आ रहा है, यूनिट इसका किलोमीटर पर आवर है, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो 8x जो है दूसरे वाले ट्रेन का, तो हम लोग को मालूम चल गया है कि स्पीड क्या है, स्पीड क्या है 400 किलोमीटर बाई 4 आवर, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर, 400 बाई 400 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे 8x हम लोग को मालूम ही है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 बाई 8 हो जाएगा, जो कि 12.5। और यहाँ पे जो 7 है, 7x, वो क्या है, पहले वाली ट्रेन का स्पीड है जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 12.5 जो x का वैल्यू है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, जो कि 87.5 किलोमीटर पर आवर होगा। यही आंसर है करेक्ट, जो कि ऑप्शन डी। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो। नहीं, चलो क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। मैन ऑन टू ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बता दिया है कि टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो 320 किलोमीटर पर सॉरी 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो उसमें से पहला जो 160 किलोमीटर है वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रहा है, और अगला जो 160 किलोमीटर है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर, सिंपली वही 2xy/x+y निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली है, इसमें घुमा घुमा के थोड़ा सा दे दिया है, लेकिन बात एक ही है, 320 किलोमीटर का पूछ रहा है, तो दोनों 160 प्लस 160 क्या होगा, 320 ही होगा, तो सीधे लगाना है 2 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई दोनों का सम 64 प्लस 80। इसको कैलकुलेट करना है क्या आएगा, तो एक बार कैलकुलेटर का देख लेते हैं, वैल्यू क्या है 64 और 80, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 80 क्या आ गया, कितना आ गया, फिर उसको डिवाइड करना है हम लोग को 144 से, डिवाइडेड बाई 144, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 71.11। अब देखते हैं ऑप्शन में कोई है कि नहीं, 71.11, सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। सही है, अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन में भी दिया ऑप्शन सी है, बस सिंपल है। इसमें इस तरह से निकाला है कि पहले टाइम निकाला टोटल, तो टोटल टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो दोनों का निकाला 160 बाई 64 प्लस 160 बाई 80 दोनों के लिए, फिर दोनों का टाइम क्या है 9/2 आवर्स आया, फिर उसका टोटल डिस्टेंस मालूम है 320 किलोमीटर है, तो 320 किलोमीटर का जो टाइम है 9/2 आवर्स उसे डिवाइड करके स्पीड निकाल लिया, तो वो भी सही है, लेकिन सबसे आसान फॉर्मूला 2xy/x+y, तो उससे भी निकल सकता है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, कोई हाँ, क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है, कार ट्रेवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड कवर्स 42 किलोमीटर इन 1 आवर, 40 मिनट्स 48 सेकंड, पूरा मिनट सेकंड सब दिया हुआ है इसमें, तो वो एक्चुअल स्पीड जो था कार का पूछ रहा है क्या है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार, तो कार ट्रेवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, तो एक्चुअल स्पीड ही निकालना है, तो एक्चुअल स्पीड को एक्स मान लेते हैं, तो क्या कार कौन से स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 5/7 ऑफ एक्स, यानी 5/7x। ठीक है, और क्या कर रहा है, कवर्स कर रहा है 42 किलोमीटर, डिस्टेंस भी मालूम है 42 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, और टाइम भी मालूम है 1 आवर 40 मिनट 48 सेकंड में कवर हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ किस में चल रहा है हाँ कन्वर्जन? किलोमीटर में चल रहा है, तो हम लोग को ये टोटल जो है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर 1 आवर 40 मिनट और 48 सेकंड को। पहले आवर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा 1 आवर 40 मिनट 48 सेकंड को, क्योंकि 1 आवर तो है ही है, 40 मिनट 48 सेकंड को आवर में पहले कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, फिर उसको 42 से डिवाइड करके उसका स्पीड निकालना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, और उसके बाद उसको 5/7 ऑफ एक्चुअल स्पीड जो है इससे क्रिएट करना पड़ेगा, उससे एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन पे एक बार देखते हैं, तो उसको वही है, सबसे पहले जो टाइम है उसको पहले कन्वर्ट करना है आवर में। आवर में कैसे कन्वर्ट होगा, 1 आवर है 40 मिनट 48 सेकंड है, तो 48 सेकंड जो वो क्या हो जाएगा, 4/5 ऑफ मिनट हो जाएगा। 40 मिनट है, 4/5 ऑफ मिनट हो गया, 1 आवर का 1 आवर ही है। अब 44/5 मिनट जो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 151/75 आवर, जो कि हो जाएगा 126/75 आवर। ठीक है, तो उसका कह रहा है लेट एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार इज एक्स किलोमीटर पर आवर, वही तो 5/7x, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्चुअल स्पीड के अलावा जो अभी कार का स्पीड चल रहा है जो कि स्लो है, 5/7 ऑफ x जो हुआ वो एक्चुअल स्पीड से कम हुआ, तो उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है टाइम से, कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम जो होता है वही डिस्टेंस होता है, ये तो मालूम है। तो टाइम हम लोग को मालूम चल हाँ चुका है कि 126/75 आवर है, और स्पीड भी मालूम चल गया है 5/7 ऑफ x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिस्टेंस मालूम है पहले से 42 किलोमीटर है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया, एक्स का वैल्यू निकाल लेना है सिंपली। इसमें क्या होगा, पहले 5 से 75 कटेगा कितने में, 15 में, 7 से 126 कटेगा कितने में, आई थिंक नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं 1 सेकंड कटेगा, कितने में, 18 में कटेगा, हाँ 18 में, तो 18 में कटा इधर, तो नीचे का आ गया, नीचे का आया 5, तो 18 बाई 5, 18/5x इज इक्वल टू 42, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18। आखिरी में आंसर क्या आएगा, 35 किलोमीटर पर आवर, क्या बोल रहे थे? वहां पे पंडा ना आएगा, 18/15 एक्स, 18 बाई, 5 हाँ से वही, 75 का। हाँ, 18x/15 इज इक्वल टू 42 आएगा, हाँ सही है। तो उसमें से फिर 3 से 2 से ऐसे कटेगा, आखिरी मैक्स के लिए क्या आएगा, 35 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सही है, कुछ पूछना हो तो पूछो। चलो नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, अब कितना क्वेश्चन बचा है, 11, 12, 13, 14, 15, 5 क्वेश्चन अभी और बचे। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर, यानी समीर का जो पहले समीर का जो टाइम है उसको पहले मान लेते हैं एक्स, एक्स आवर लग रहा है, तो x+2 आवर लग रहा है 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पे किसको, अभय को। इफ अभय डबल्स इज स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ अभय क्या हो जाएगा, 30/x+2, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर, दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 सिंपली। तो अभय का स्पीड क्या है, समीर का स्पीड क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, वही है एक्स, नहीं 30 किलोमीटर 30 30 है, 30 है, और उसका टाइम क्या लग रहा है समीर को, एक्स, तो 30/x, दोनों का डिफरेंस पहले दिया 1 है, सिंपली इक्वेशन बैठाना है, बन गया, समझ में आया। हाँ यहाँ पे क्या है, लेट अभय स्पीड भी एक्स किलोमीटर पर आवर, अभय का जो स्पीड है उसको एक्स मान लेते हैं, तो क्या बोले, अभय टेक्स 2 आवर मोर, तो अभय 2 घंटा और ले रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब तरह से बता दिया है, सिंपली जो मैं बताता हूँ, रुको कैसे करना है। इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, डिस्टेंस मालूम है 30 किलोमीटर, ठीक है, तो अभय के लिए पहले बात करते हैं, तो अभय टेक्स 2 आवर मोर देन समीर, तो समीर का जो था मोर देन समीर, तो समीर का जो था उसको एक्स मान लेते हैं, तो x+2 हो गया किसका, अभय का, ये क्या है टाइम है, डिस्टेंस बाई टाइम क्या है स्पीड आया, ठीक है स्पीड आया, अभय टेक्स 2 आवर मोर देन समीर, उसका कह रहा है इफ अभय डबल्स इज स्पीड, यानी कि अभय जो था अपना स्पीड, यानी कि स्पीड यही है, स्पीड को डबल कर देता है, यानी कि क्या हो जाएगा 60/x+2, ऐसा अगर कर देता है देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर, यानी कि समीर जो था वो टाइम कितना ले रहा था, समीर का टाइम क्या था, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 30 है समीर के लिए, ये किसके लिए समीर के लिए, तो 30/ स्पीड क्या चल रहा है, स्पीड है डबल स्पीड, इफ अभय डबल स्पीड, तो अभय डबल स्पीड देन उठ रहा है 1, तो स्पीड क्या है इसका, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है मेरे को, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का भी दिक्कत आ रहा है इसका, इसी कारण से अभी इस क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ, अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली, और उसमें मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और
इसका डिस्कशन सेक्शन में जैसे जैसे सबने बताया है उसके हिसाब से भी मैं बताऊंगा सबको। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, बाकी जो बचे हुए 4 क्वेश्चन है 12, 13, 14 और 15 उस पर भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 पे कह रहा है, रॉबर्ट इज ट्रेवलिंग ऑन इस साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM, यानी टाइम बताया है कि 2 बजे वो पॉइंट ए पे पहुंच गया साइकिल से। इफ ही ट्रेवल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, ही विल रीच देयर एट 2:12 noon, यानी कि उसका स्पीड जो था अभी मालूम नहीं है, लेकिन अगर स्पीड उसका 10 किलोमीटर पर आवर होता तो वो 12 बजे दोपहर में ही पहुंच जाता। इफ ही ट्रेवल्स एट ही विल रीच देयर एट 12 noon इफ ही ट्रेवल्स एट 15 किलोमीटर पर आवर। या यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कॉमन देना चाहिए था, कॉमन नहीं दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि रॉबर्ट जो था वो साइकिल से जा रहा है और वो 12 बजे नहीं, अगर वो 2 बजे दोपहर में पहुंचा पॉइंट ए पे जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, ठीक है, और 12 बजे दोपहर में पहुंचा जब वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 5 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड था वो बढ़ा दिया, तब 2 घंटा उसका बच गया, 2 बजे के बदले वो 12 बजे पहुंच गया। पूछ रहा है एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट 1 PM, यानी कि अब ये तो पता चल गया कि हम लोग को ये तो पता चल गया कि 2 बजे अगर पहुंचना है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ, अगर 12 बजे दोपहर में पहुंचना है तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मान लो 1 बजे उसको पहुंचना है तो वो कौन कितने स्पीड से वो साइकिल से जाए। नॉर्मली सी बात है 10 और 15 के बीच में ही आएगा, तो वही कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने पर चलते हैं, और इसमें अगर आप देखोगे तो देखने पर साफ पता चल रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दे रहा है, तो 8 किलोमीटर तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 10 और 15 के बीच में है ही नहीं, तो एक ऑप्शन ऐसे रिड्यूस हो गया। अब बचा 11, 12 और 14, तो ज्यादा चांस रहता है 12, 13 का, तो 12 ही ज्यादा इसमें ज्यादा चांस रहता है सही का। तो ऐसे अगर गेस करने का है तो ऐसा है, ठीक है। अगर कैलकुलेट करना है टाइम लगेगा, तो कैलकुलेट करने में क्या है, पहले डिस्टेंस जो कवर हो रहा है यानी कि ए पॉइंट तक पहुंचने पे रॉबर्ट जो था वो किसी पॉइंट से चला होगा, तो वो पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो बी से ए आने में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो मानते हैं एक्स किलोमीटर है, ठीक है। तो एक्स किलोमीटर जब डिस्टेंस कवर हो रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लगेगा, पहले अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो टाइम क्या लगेगा, x/10, सही है। और वहीं पे अगर मान लो कि वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है जब वो 12 बजे दोपहर में पहुंच रहा है, तो उस वक्त टाइम क्या लगेगा, x/15 लगेगा। तो इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो क्या कह रहा है, एक एक बार पहुंच रहा है 2 बजे और एक बार पहुंच रहा है 12 बजे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 2 आवर्स का हुआ। दो हाँ ठीक है, तो x/10 - x/15 = 2 आवर हो जाएगा, क्योंकि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, सही है। अब सिंपली लीनियर इक्वेशन हाँ वन वेरिएबल यूज करना है, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 को फिर करेंगे तो ये आ जाएगा, एक सेकंड 30 नहीं आएगा शायद, 10 और 15 का एलसीएम शायद 60 आता है, एक सेकंड कैलकुलेट करना पांच पड़ेगा, दो दस तीन क्या आएगा एलसीएम देखना, आएगा 30 आएगा। हाँ ना तो इसका। थर्ट हाँ सही है, तो 30 आएगा, तो 30 को पहले डिवाइड करेंगे 10 से, 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 3x-, फिर 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 2 आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से, 30 फिर उधर 2x चल से, जाएगा, 30 और तो नीचे का, 60 आ जाएगा। हाँ नीचे का 30 है, तो 30 को फिर LHS से RHS में ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 3x-2x = 60, सो x विल बी 60 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस पता चल गया 60 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट 1 PM, डिस्टेंस तो मालूम चल गया कितना जाना है, बस अब पूछ रहा है कि 1 बजे पहुंचने के लिए उसको टाइम क्या लगेगा, ठीक है। तो क्या है, टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर वो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो जा रहा था जब वो 12 बजे दोपहर में पहुंच रहा है, नहीं जब वो 2 बजे दोपहर में पहुंच रहा है, उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है कितना, 60/10 यानी 6 घंटा, यानी कि वो घर से निकला होगा कितने बजे, वो घर से निकला होगा सुबह सुबह 8 बजे, और तब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तब वो पहुंचा 2 बजे, ठीक है। वहीं पे 8 बजे ही उसको निकलता है, और वो अगर 4 घंटे डिस्टेंस कवर करता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब वो 12 बजे दोपहर में पहुंच जाएगा, तो 6 आवर लगा, ठीक है। सो रॉबर्ट स्टार्टेड 6 आवर्स अगो बिफोर 2 PM, दैट इज 8 AM, वही बात कहा है, ठीक है। रिक्वायर्ड स्पीड जो था, रिक्वायर्ड स्पीड यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट 1 PM, ठीक है। तो 2 बजे जब वो पहुंच रहा है तब उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटा, ठीक है, 6 घंटा लग रहा है ना। जब वो हाँ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तब उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा, ठीक है। तो 1 बजे क्या हो गया, 1 घंटा ऐड हो गया, तो 5 घंटा उसको लगेगा। तो 5 घंटा में कितना करेगा, 60/5, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, 60 हो गया यहाँ पे किलोमीटर डिस्टेंस, और जो 5 है, 5 क्या हो गया, आवर, ठीक
क्योंकि 8 बजे वो निकल रहा है, तो 8 बजे से लेके 1 बजे के बीच में क्या होगा, 12 बजे 4 और 1 घंटा और ऐड हो गया, तो 5 5 घंटा, तो 60/5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, सही है? हाँ नहीं समझ में आया क्या, कुछ नहीं आ गया, पूछना हो तो पूछो। नहीं ठीक। चलो क्वेश्चन 30 में चलते हैं। 30 में क्या करा है, इट टेक्स 8 आवर्स फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी, यानी कि 8 घंटा लग रहा है 6 किलोमीटर के जर्नी के लिए। इफ 120 किलोमीटर इज डन बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, यानी कि 120 किलोमीटर जो है पूरे 600 किलोमीटर में वो अगर ट्रेन से डन होता है और बाकी कार्स, यानी कि 480 किलोमीटर जो है वो कार्स जा रहा है। इट टेक्स 20 मिनट्स मोर इफ 200 किलोमीटर इज डन बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, यानी कि अगर 200 किलोमीटर जो था वो ट्रेन से डन होता है और 400 किलोमीटर कार से डन होता है, तो 20 मिनट ज्यादा लगेगा पूरे 600 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन टू दैट ऑफ कार इज, तो कार और ट्रेन का जो स्पीड का रेशियो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन को मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड को मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है? इतना तो है, तो उसमें क्या गया है, डिस्टेंस पूरा क्या है 600 किलोमीटर है। तो पहला कंडीशन क्या है, इफ 120 किलोमीटर इज डन बाई ट्रेन, यानी कि 600 किलोमीटर में से 120 किलोमीटर है वो ट्रेन से गया है, ठीक है? तो ट्रेन का स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो पहला कंडीशन के हिसाब से टाइम उसको कितना लगेगा, 120 डिवाइड बाई एक्स लगेगा, सही है? ठीक है, उसके बाद बाकी बचा डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर है, वो ट्रेन से नहीं जाके वो कार से जा रहा है, तो कार का स्पीड क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कितना लगेगा, 480 डिवाइडेड बाई वाई आवर लगेगा, सही है? अब पहले से मालूम है इट टेक्स 8 आवर्स, यानी पहले ही बता दिया कि टोटल जो 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम जो लग रहा है वो 8 8 घंटा ही लग रहा है। तो इक्वल टू 8, सीधे आगे लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, ये पहला इक्वेशन बन गया। इसमें क्या करना है, एक्स वाई है, यहाँ पे 120 है, वो 480 है, 120 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 को कॉमन लिए तो आ गया 1, यहाँ पे आ गया 4, 120 यहाँ पे कॉमन है नीचे जाएगा, 8 बाई 120 क्या आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। तो पहला लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इक्वेशन बन गया, ठीक है? इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल होगा, एलिमिनेशन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ठीक रहता है, एलिमिनेशन का भी कर सकते हो, चॉइस के ऊपर है तुम्हारे, डिपेंड करता है टाइम कितना है और किस टाइप का इक्वेशन बन रहा है। तो दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा था कि इट टेक्स 20 मिनट्स मोर इफ 200 किलोमीटर इज डन बाई ट्रेन। अब दूसरे में कह रहा है कि 200 किलोमीटर ट्रेन से गया, तो 200 किलोमीटर ट्रेन से गया तो किसा क्या उसका टाइम क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्पीड तो वही एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो 200 बाई एक्स हो जाएगा ट्रेन के लिए। और क्या कह रहा है, बचा कितना, 400 किलोमीटर बचा जो कि कार से जाना है, कार का स्पीड क्या वाई है, तो 400 वाई उसका 400 वाई आवर हो जाएगा टाइम कार के लिए। दोनों का ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर, तो 20 मिनट्स को अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, तो 8 प्लस 1/3 क्या आएगा, 25/3 आएगा, इज इक्वल टू 25/3। ये समझ में आया, ठीक हाँ है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सेकंड इक्वेशन बन गया, इसमें भी क्या है, वही 200 को कॉमन लो गया, गया 1/x + 2y इज इक्वल टू 25/3, यहाँ पे 200 कॉमन लिए तो 200 फिर नीचे जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, 1/24 आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, 1/x + 2y इज इक्वल टू 1/24, तो सेकंड इक्वेशन भी बन गया, फर्स्ट इक्वेशन भी बन गया। सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो या जो तुम्हारे चॉइस में लगा सकते हो, मैं तो सब्स्टिट्यूशन का बात करूंगा अभी, तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एक्स का वैल्यू निकालो और लगा दो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 60 आएगा, वाई का वैल्यू क्या आएगा, 80 आएगा, ठीक है? तो 60 हाँ और 80 जो है वो क्या है, स्पीड है ट्रेन का और स्पीड है कार का। तो कार का स्पीड मालूम चल गया, ट्रेन का स्पीड मालूम चल गया, अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, उन दोनों का रेशियो क्या है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, 60:80 जो कि क्या हो जाएगा, 3:4, सो 3:4 विल द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, ठीक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अ फार्मर ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, एक फार्मर जो था वो 61 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 9 घंटे में, ठीक है, 9 आवर्स में, ठीक है? ये तो है मालूम, सिंपल है। हाँ इसमें स्पीड निकालना है, अभी तो अभी क्वेश्चन आगे का पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन अगर मान लो स्पीड निकालना कहते हैं तो क्या हो जाएगा, 61/9 सिंपली। तो सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, ही ट्रेवल्ड पार्शली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पैदल चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आधा, ठीक है? तो जो 61 किलोमीटर है उसका आधा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और आधा बाइसिकल से आ रहा है, स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि साइकिल से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? अब पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इज, यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ होगा फुट से वो कितना होगा, देखते हैं उसको। तो पहले डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा फुट से उसको मान लेते हैं एक्स किलोमीटर, तो बचा हुआ डिस्टेंस जो बाइसिकल से गया वो क्या हो जाएगा, 61 - x किलोमीटर, ठीक है? तो हाँ
तो उसके बाद स्पीड, अगर हम लोग टाइम निकाले कि पैदल जाने में टाइम उसको कितना लग रहा है, पैदल जाने में उसको टाइम कितना लगेगा, एक्स बाई 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक्स बाई 4 लगेगा, एक्स बाई 4 आवर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा डिस्टेंस का और स्पीड का, सही है ना, एक्स बाई 4 हाँ लगेगा, ठीक है। और वहीं पे बाइसिकल से जा रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 61 माइनस एक्स बाई कितना, नाइन 9, ठीक है, क्योंकि 9 किलोमीटर हाँ पर आवर स्पीड है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का जो एडिशन होगा, देखो यहाँ पे क्या करा है, फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर, दोनों का जो जो टाइम लगेगा पूरा 61 किलोमीटर ट्रेवल करने में वो कितना लग रहा है, टोटल नौ नौ घंटा लग नौ रहा है। तो घंटा दोनों को ऐड करेंगे टाइम को, हाँ क्या आ गया 9, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सिंपली सॉल्व करना है। इसमें एलसीएम लेंगे क्या आ हाँ जाएगा, 36 आ जाएगा, फिर 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, हाँ 9, 9x आ गया, प्लस 36 को डिवाइड करेंगे 9 से 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 61 माइनस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 61 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, 250, 244 हो जाएगा, और माइनस 4x, 9x माइनस 4x हो गया 5x, प्लस 254 इज इक्वल टू 9 इंटू 36, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 9, ये आ जाएगा 324 आएगा शायद, हाँ ठीक है। उसके बाद 5x आ जाएगा यहाँ पे, 9x माइनस 4x और इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे इसको जो आएगा 324 उसको माइनस करेंगे 254 से, तो आ गया 80, 5x इज इक्वल टू 80, x का वैल्यू आ गया 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो वैल्यू है कितना, वो है डिस्टेंस जो कि वो पैदल चल रहा है फार्मर, ठीक है, वो पैदल चल रहा है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर पूछे तो सिंपली कि बाइसिकल से कितना गया, तो सिंपली 61 से माइनस कर देना है, सही है, और हाँ तो कुछ नहीं है। नहीं चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो भाई हालत खराब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, यानी कि डिस्टेंस स्पीड दोनों नहीं बताया, सर्टेन डिस्टेंस है सर्टेन स्पीड में कवर हो रहा है, ही मूव 3 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस, यानी कि जो डिस्टेंस है वो नहीं, डिस्टेंस नहीं, वो जो स्पीड है वो अगर 3 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड अपना ऐड कर देता तो वो 40 मिनट्स कम टाइम में अपना पूरा डिस्टेंस कवर कर देता। इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी 2 किलोमीटर स्लो अगर चलता है तो 40 मिनट्स उसको ज्यादा लगता है। तो पूछ रहे हैं डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को पहले एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यूजुअल रेट जो है इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूज होगा, तो क्या कि इसमें डिस्टेंस भी नहीं मालूम है स्पीड भी नहीं मालूम है, तो यूजुअल रेट यानी कि स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, सही है, वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। तो क्या कह रहा है इसमें, लीनियर इक्वेशन पहले बैठाना है, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, पहले स्पीड, पहले टाइम जो होगा वो टाइम क्या लगेगा, ये देखो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, सही है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स हो हाँ गया, और स्पीड क्या एट हो गया, वाई हो गया, दिया हुआ है, तो एक्स बाई वाई वाई क्या हो गया, ये एक्स बाई वाई क्या हुआ, टाइम हुआ, सही है ना, हाँ टाइम हुआ। हाँ तो एक्स बाई वाई, और उसके बाद क्या कह रहा है, हैड ही मूव 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि वाई जो है उसको ऐड कर दो 3 से, ठीक है, तो क्या, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस, तो डिस्टेंस तो वही है सेम, तो उस वक्त स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई प्लस 3, और क्या कह रहा है, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस, यानी 40 मिनट उसको कम लगता, इज इक्वल टू 40, अब ये मिनट्स में है और यहाँ पे खेल चल रहा है कि इसमें किलोमीटर में और किलोमीटर पर आवर में, तो 40 मिनट्स को सिंपली कन्वर्ट कर देना आवर में, तो 40/60 करेंगे तो वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 40/60 की है और आ गया कितना, 40/60 करेंगे तो फिर आ जाएगा कितना, 0 0 टू बाई कैंसिल हुआ, थ्री फोर फोर बाई सिक्स आ गया, 2/3, सिंपली सॉल्व करके एक इक्वेशन आ जाएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जो कि हो जाएगा 2y मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 9x, सही है। हाँ अब उसके बाद दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी कि अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर अगर धीरे चलता, ठीक है, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स मोर, तो उसको 40 मिनट्स ज्यादा लगता है, हाँ 40 मिनट40 मिनट उसको ज्यादा लगता है, तो इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर स्लोअर तो क्या हो जाएगा, स्पीड उसका क्या था, वाई था, तो वाई माइनस 2 2 किलोमीटर स्लो हो गया, ठीक है, तो टाइम जो था ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स बढ़ मोर, जाएगा तो 40 मिनट्स ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे लेस हो या मोर हो, यहाँ पे जो बस सिंपल चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या है, एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई माइनस 2 हो जाएगा, तो वही इधर से उधर कर दिया तो कॉमन ले लिया माइनस को, तो क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आएगा, तो फिर यहाँ पे असली में क्वेश्चन होगा एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू -40/60, तो कॉमन ले लिया यहाँ पे और इधर से उधर कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स बाई वाई माइनस 2 माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 40/60, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ गया, दोनों को हम लोग को डिवाइड करके या सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड लगा दो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का आखिर आखिरी में आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 40, ठीक है, तो ये 40 जो होगा ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है किलोमीटर में जो कि वो मैन कवर कर रहा है एट सम स्पीड। तो सम स्पीड जो है, स्पीड निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा नहीं है वाई का वैल्यू, लेकिन फिर भी
एक्स का वैल्यू आ ही गया है तो वाई का भी निकाल ही सकते हो, तो वो जो सम स्पीड है वो भी वैल्यू निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्टी ठीक है हाँ। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन का देखे हैं, 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला के आधारित। और कुछ क्वेश्चन इसमें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का भी है, कुछ क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का भी है, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपको प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जल्द से जल्द दें। थैंक यू जैन।